अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अंबर बाय फैशन में खुश आमदीद। जो भी नए देखने वाले व्यूवर्स हैं, आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो नई से नई आपको मिलती रहे। वीडियो कलेक्शन पसंद आ जाए तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग और बहुत ही प्यारी कलेक्शन लेकर आया हूँ क्रोशिया के काम की। बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग है और ब्यूटीफुल सी कलेक्शन है। ब्यूटीफुल सी कलेक्शन, ब्यूटीफुल से लोगों के लिए जो कलेक्शन और डिज़ाइनिंग का शौक रखते हैं। आज आपको क्रोशिया के काम की डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत और हसीन नज़र आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको ये बोल दूं कि ये मेरा नया चैनल है, तो जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लिए कलेक्शन और डिज़ाइनिंग दोनों ही बेस्ट लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो कलेक्शन देख रहे हैं गाइस, आप ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं, हम शॉप पे मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन आम शॉप पे ना मिले तो स्क्रीनशॉट लेके बासानी किसी भी कारीगर लेडीज़ या जेंट्स उससे आप बनवा सकते हैं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई ऐसी लेडीज़ ज़रूर होती है जो क्रोशिया का काम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ जानती है। अब तो लेडीज़ या जेंट्स, बूढ़े हों या बच्चे, सब क्रोशिया की बनाई हुई ड्रेस पहनना पसंद करते हैं क्योंकि हसीन होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होती है, तो शादी ब्याह में और पार्टियों में क्रोशिया की ड्रेस पहनी जा रही है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग मार्केट में दस्तयाब है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो नई से नई आपको मिलते रहे। वीडियो कलेक्शन पसंद आ जाए तो गाइस लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो के एंड तक बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। और जो भी नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये मेरा नया चैनल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी ड्रेसिंग, इससे अच्छी डिज़ाइनिंग आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।